डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आपने लाइट के रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस मेकर, फॉर्मूला, प्रिज्म, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का स्टडी हमने किया। तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में लाइट का एक ज्योमेट्रिकल नेचर, वेव नेचर, एक अनदर नेचर के बारे में बात करेंगे। लाइट का एक दूसरा नेचर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग लाइट का पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, साथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये चैप्टर बोर्ड एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, हमें पता है। लाइट का एक अनदर नेचर, एक ड्यूअल नेचर है वेव। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि वेव के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं कि वेव क्या होता, व्हाट इज वेव, तो आप क्या बोलोगे? वेव का मतलब अगर समझो, ऑप्टिक्स तो लाइट का वेव, बट वेव के बारे में जो हमने 11th क्लास में डिस्कशन की थी उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी क्लियर करते हैं कि बच्चों वेव्स क्या है। वेव, व्हाट इज वेव, हिंदी में तरंग बोलते हैं आप लोग, ठीक है? तो वेव क्या है? वेव का मतलब एक लाइन का हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। वेव एक तरीके का क्या है? तो काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम के पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, उनका डिस्टर्बेंस होगा तो उसको वेव बोलेंगे। डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, मतलब जो डिस्टर्बेंस होगा ना, वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का, पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा। अगर मैं बोलूं तो मैं बता सकता हूं कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, उसमें पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। अरे बात समझ में? तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा। जैसे सपोज करो, अगर मैं किसी मेटल पर फोर्स लगाऊं, सपोज करो हमारे पास कुछ मेटल का बर्तन हो, स्कूल में घंटी बजाते थे टन आवाज, तो उसमें मीडियम का पार्टिकल, साउंड पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा। चलो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको उस वाइब्रेशन को विजुअलाइज करते हैं, उस वाइब्रेशन को दिखाते हैं आपको। आपने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को आपने तालाब में फेंक दिया, पॉन्ड है आपके पास, पॉन्ड में आपने स्टोन को फेंक दिया, फिर आपने क्या देखा? आपने देखा सर्कुलर पाथ में इस तरीके का बात हो रहा। सर ये सर्कुलर पाथ ऐसा है, सर्कुलर पाथ बनते जा रहा, ये सर्कुलर पाथ बनते जा रहा, ये सर्कुलर पाथ बनते जा रहा, इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे। बोलेंगे सर ये सर्कुलर पाथ तो मैंने देखा, लेकिन आपने जो सर्कुलर पाथ में अभी लाइन बनाया ना, उसमें कुछ लाइन में आपने सॉलिड दिया और कुछ में आपने डॉट दिया, इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूं उसको, ठीक है? सबसे पहले बता दूं, जो सर्कुलर पाथ बना, उस सर्कुलर पाथ का क्या मतलब है? मतलब ये है, अब सपोज करो इस पाथ का मैं बात करूं कि इस पाथ का क्या मतलब, इस पाथ का मतलब है कि इस पोजिशन में पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा और वहां पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है? और उस दूसरे वाले में भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है। मैं इसको अगर एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो मैं इसे दिखाऊंगा। देखो आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं, आप एक्स एक्सिस के अलोंग में इस तरीके से आप बना सकते हैं, टाइम के एक्सिस में ये बना सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, 11 की बातें आपको याद आ रही होंगी कि सर मैं इसको क्रेस्ट बोलता हूं और मैं इसको ट्रफ्स बोलता हूं। तो क्रेस्ट का क्या मतलब है? क्रेस्ट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ट्रफ्स का मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वहां पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा बच्चों? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा। अब बोलोगे सर आपने ये सॉलिड और ये डॉट डॉट लाइन क्यों बनाया? देखो मैं बता दूं, ये सॉलिड लाइन को ना, ये जो सॉलिड लाइन मैंने बनाया, ये जो सॉलिड लाइन मैंने बनाया ना, इस सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन को क्रेस्ट में बोलता हूं, ये सॉलिड लाइन को क्रेस्ट से डिफरेंट करता हूं, और जो डॉटेड लाइन है उसको मैं ट्रफ्स बोलता हूं।
तो इस तरीके से क्रेश और ट्रॉप्स के फॉर्म में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा, ठीक है। मैंने क्या बोला एक बार फिर से मैं नोट कर दूं, अगर आपको बताऊं क्रेश का मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली ट्रफ को आपने आप कर लेना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रफ्स के बारे में। ये यहां ट्रफ्स है, ये ट्रफ्स के बारे में मैंने बात करा, ओके। तो अब बच्चों लाइट वेव्स है इसके बारे में बात करना, यहां तो मैंने वाटर्स पर वेव्स की बात की, साउंड के बारे में वेव्स की बात किया, तो इसी तरह से लाइट एक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवलिंग करेगा, लाइट एक वेव्स के फॉर्म में होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, बट उस कॉन्सेप्ट से वेव्स का नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सका। फिर डच साइंटिस्ट हाइजेन ने अपना प्रिंसिपल दिया, तो लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवलिंग करेगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजेन ने बताया, और हाइजेन प्रिंसिपल से हम बात स्टार्ट करेंगे। हाइजेन ने बताया कि लाइट का जो सोर्स है उसका सेंटर का डिस्टर्बेंस होगा। अब सबसे पहले हाइजेन ने वेवफ्रंट के बारे में बात किया, तो हम लोग हाइजेन प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं वेवफ्रंट। यहां से हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेटेस्ट स्टार्ट हाइजेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वेवफ्रंट। एक्चुअल में ये वेवफ्रंट क्या होता इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। क्या होता वेवफ्रंट, तो आप इसे नोट करो फिर मैं बात करता हूं। तो वेवफ्रंट क्या होता हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेवफ्रंट का डिफाइन करता हूं, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम which are vibrating in the same phase is called wavefront। देखो मैं क्या बता रहा हूं, the continuous locus of all the particles of a medium, किसी मीडियम के जितना पार्टिकल से उसका कंटिन्यूअस लोकस। सर व्हाट डू यू मीन बाय द लोकस, तो मैंने पोजीशन सुना था, ये लोकस है डेफिनेटली, यहां पर लोकस का मतलब पोजीशन है, बट कैसा पोजीशन, ऐसा पोजीशन जो टाइम के साथ चेंज होता हो, जो बार बार चेंज हो रहा हो। अरे बात समझ में, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा नहीं कि रे ऑप्टिक्स में स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड था तो वेव ऑप्टिक्स में वो स्पीड बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रे ऑप्टिक्स में रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग करेगा तो वेव ऑप्टिक्स में वेव ट्रेवलिंग नहीं करेगा, या फिर कुछ और मीडियम में ट्रेवलिंग करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। रे जहां है वहां वेव है, एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों साथ साथ चलेगा। वेव का एक दूसरा नेचर था उसके बारे में हम लोग बात करें। सपोज करो आपका एक नेचर था कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं जानता था एक आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपका ये फर्स्ट नेचर था। दूसरा नेचर मुझे आपको पता चला कि नहीं आप बहुत हेल्पफुल हो, तो चलो एक अनदर नेचर के बारे में बात चला। वैसे ही रे नेचर में हम लोग रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब बात किए, वेव में एक अनदर नेचर बात कर रहे हैं। देयरफॉर यहां भी रे ऑप्टिक्स है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग कर रहा है, बट ये चैप्टर में काफी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरी बात को आप अच्छे से समझेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके? तो हम लोग बात करते हैं वेवफ्रंट। The continuous locus of all the particles of a medium, किसी भी medium के particles का continuous locus which are vibrating in the same phase, मतलब एक बार vibrate करेगा locus है, फिर बदल जाएगा position, फिर बदल जाएगा, उसको मैं wavefront बोलूँगा। मैं आपको wavefront दिखाता हूँ, कैसे बताता हूँ wavefront, दिखाता मतलब बताता हूँ, एक line और बता दे, ठीक है। The shape of wavefront depends on
डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो वेफ्रॉन का शेप होगा ना वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा शेप ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस हो रहा उस डिस्टर्बेंस के शेप के ऊपर में उस वेफ्रॉन का शेप डिपेंड करेगा। ठीक है, और मैं बता दूं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेफ्रॉन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेफ्रॉन। ये थ्री टाइप्स का वेफ्रॉन हो गया। क्या क्या थ्री टाइप्स का वेफ्रॉन है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं स्फेरिकल वेफ्रॉन, स्फेरिकल वेफ्रॉन। ठीक है, स्फेरिकल वेफ्रॉन। फिर मैं बता दूं सिलिंड्रिकल वेफ्रॉन, सिलिंड्रिकल वेफ्रॉन। और मैं थर्ड में बात कर दूं प्लेन वेफ्रॉन। जो तीसरा वेफ्रॉन है उसको हम बता दें प्लेन वेफ्रॉन। ठीक है, तो स्फेरिकल वेफ्रॉन्ट, सिलिंड्रिकल वेफ्रॉन्ट एंड प्लेन वेफ्रॉन्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेफ्रॉन्ट। क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। अब सपोज करो ये एक पॉइंट सोर्स है, सपोज करो एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स का बात को समझना, वेफ्रॉन्ट हाइजीन ने बताया था, हाइजीन के अकॉर्डिंग इच सोर्स ऑफ अ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। Each source of a light is a center of disturbance. हर एक सोर्स के लाइट का सेंटर डिस्टर्ब करेगा। सर कैसे डिस्टर्ब करेगा, अरे आपके पास बल्ब जो है उसका सोर्स डिस्टर्ब हो रहा है तभी तो लाइट आ रहा। कौन डिस्टर्ब कर रहा, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया वहां से जा रहा, अलग अलग फंक्शन है बल्ब कैसे, क्या क्या टंगस्टन का फिलामेंट बना, किस तरीके से सप्लाई हो रहा इलेक्ट्रिसिटी, वैसे डिस्टर्ब किया। टॉर्च में आप लाइट जलाते हो, आप दो सेल डालते हो, आप प्रेस करते हो तो वो लाइट जलता, वहां भी सोर्स का डिस्टर्ब हुआ। वैसे कुछ नेचुरल सनलाइट का भी सोर्स डिस्टर्ब होता है, वो नेचुरल है, बट आर्टिफिशियल लाइट में मैं बात कर रहा हूं। और नेचुरल भी जो सनलाइट हमारे पास आता है, हाइजीन ने वो बताया कि वहां भी सेंटर डिस्टर्ब होते हुए डिस्टर्बेंस लाइट में प्रोड्यूस होता है, उससे लाइट हमारे पास पहुंचता है। अब सपोज करो मैंने एक बोलता हूं एक पॉइंट सोर्स है, सपोज करो क्या है बच्चों, एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स में जब पॉइंट सोर्स का डिस्टर्बेंस होगा तो पार्टिकल्स कहां जाएगा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। कैसे करेगा, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में, इस लाइन को सुनना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में, मान लो स्पीड दिया हुआ v, स्पीड दिया हुआ v, यहां v के बदले c है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, टाइम t, तो डिस्टेंस क्या होगा, s इक्वल टू vt, जानते हो ना s इक्वल टू vt, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब किसी डिस्टेंस में एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t में किसी डिस्टेंस में सारा पार्टिकल वाइब्रेट होकर चला गया। अब मान लो यहां से सोर्स डिस्टर्ब हुआ, सारा पार्टिकल वाइब्रेट होकर के चला गया, यहां चला गया लाखों करोड़ों पार्टिकल से जो वाइब्रेट करके चला गया, वाइब्रेट्स करके चला गया। अरे बस समझ में, मैं इसको मिला देता हूं इस तरीके से, मैं इस लाइन को मिला देता हूं, आधी बात समझ में। ये सोर्स था सर, यहां एक पार्टिकल्स गया, यहां एक पार्टिकल्स गया, यहां एक पार्टिकल्स गया, यहां एक पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स गया सर, ये सब सेम फेज में जा रहा। सेम फेज का मतलब इसके बीच का सारा एंगल सेम है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा, तो ये एक वेफ्रॉन बना। अब इसमें वेफ्रॉन कौन सा है, तो ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा वो वेफ्रॉन है, आधी बात समझ में। मैंने जो ये पाथ बनाया वो वेव फ्रंट है, दैट मींस अगर मैं बता दूं ये एक वेव फ्रंट है, हो सकता है एक वेव फ्रंट, ये एक वेव फ्रंट है, हो सकता है एक वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, इसका क्या मतलब है, ये वेव फ्रंट है, इसका ये मतलब है इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा और कहीं से डिस्टर्ब होकर के एक फिक्स एक टाइम टी में वहां पहुंचा, फिर वहां से दूसरी जगह जाएगा, अब ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, फिर यहां से दूसरी जगह चला जाएगा, अगेन एक वेव फ्रंट, वहां से किसी और जगह गया, अगेन एक वेव फ्रंट। तो पार्टिकल डिस्टर्ब कर रहा और पार्टिकल डिस्टर्ब करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा, और मैं उसको एक टेंजेंट खींच रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं, और उस लाइन को मैं मिला रहा हूं, उस लाइन मेरा क्या है, तो वो मेरा लाइन वेव फ्रंट है। अब मैं तीनों के बारे में समझाऊंगा ना वन बाय वन, तो आपको काफी क्लियर होगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, स्फेरिकल वेव फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट में बात करते हैं। इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ पॉइंट सोर्स, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, देन वेवफ्रंट इज अ स्फेरिकल,
अगर जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है अगर वो पॉइंट सोर्स होगा, क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, ठीक है। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इमिट वेव आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। एक जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वेव को इमिट करेगा, आउटवर्ड करेगा, ऑल डायरेक्शन में इमिट करेगा, सभी डायरेक्शन में इमिट करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, सपोज करो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन दिखा रहे हो आपको, क्या ये लाइन वेव नहीं है, ये लाइन वेव फ्रंट नहीं है। तो लाइन क्या है सर, ये लाइन रे है, ये लाइन रे है, ये लाइन रे है, ये लाइन रे के बारे में बात कर रहा, ये लाइन रे, और यहाँ पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, और ये जो ये सोर्स, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर, और ये जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा ना, उस वाइब्रेशन से मैंने जो एक शेप बना दिया वो वेव फ्रंट हो गया, और वो वेव फ्रंट को हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। दैट मींस ये हो गया मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं सेकंड का बात करूं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता, देखो उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में बोले इफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस If the source of disturbance is linear in shape, अगर source of disturbance linear है shape में, then the wavefront is cylindrical. तो जो wavefront होता वो क्या होता, then the wavefront is cylindrical. तो उस वेव फ्रंट को हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। लीनियर शेप मतलब जो ट्यूबलाइट है आपके पास वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। सपोज करो इस तरीके का शेप है आपका, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में, और तो यहां से जो लाइट निकलेगा ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, सिलिंड्रिकल। अगर मान लो आपने टॉर्च की लाइट जलाई उससे जो वेव फ्रंट हुआ वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो सकता, या आपका जो ट्यूब है इस तरीके का हॉरिजॉन्टल शेप में उससे जो वेव फ्रंट निकला वो सिलिंड्रिकल हो सकता। अब देखो यहां अगर मैं किसी पॉइंट पर बात करूं तो पॉइंट पर जो वेव फ्रंट होता ना वो तो स्फेरिकल ही होता, इतना बात समझ लो, ये पॉइंट पर जो वेव फ्रंट होता ना वो स्फेरिकल ही होता, इस पॉइंट पर जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल ही है, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, बट इसका शेप लीनियर है, इससे जो वेव फ्रंट हो गया मैं उसको बोल सकता हूँ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बोल सकता हूँ, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, या इस शेप में हो सकता है या इस शेप में हो सकता है, ये भी एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। यहां से जो लाइट होगा एक सिलेंडर के शेप में लाइट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, CWF सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। अब मैं बात करता हूँ प्लेन वेव फ्रंट का, प्लेन वेव फ्रंट, थर्ड में मैं बात करता हूं प्लेन वेव फ्रंट। देखो एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एपियर्स प्लेन, appears plane, and this part of wavefront is called plane wavefront, और इस part को हम लोग प्लेन वेव फ्रंट बताते हैं। मैं आपको वेव फ्रंट का डायग्राम और आज बनाऊंगा, इसे क्लियर होगा काफी। देखो क्या बोले, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स,
पॉइंट सोर्स से काफी लार्ज डिस्टेंस पर जाने के बाद ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट अपीयर्स प्लेन, मतलब बहुत दूर जब जाएगा ना एक पॉइंट सोर्स का जो लाइट है, जब काफी डिस्टेंस चला जाएगा, काफी डिस्टेंस चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में तुम्हारा जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है वो एक प्लेन वेवफ्रंट जैसा दिखेगा। काफी डिस्टेंस जाने के बाद ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक पोर्शन है, मतलब इस तरह से रे जा रहा है, ये एरो का साइन रे है, ये जो मैं एरो का साइन बना रहा हूं रे है, इस तरीके का रे है। काफी लार्ज डिस्टेंस जाने के बाद स्मॉल पोर्शन स्फेरिकल वेवफ्रंट का प्लेन दिखाई देगा और इसलिए हम इसको बोलते प्लेन वेवफ्रंट। क्या बोलते? प्लेन वेवफ्रंट। तुम ऐसे बोल सकते हो सर ये एक प्लेन वेवफ्रंट है, डेफिनेटली एक प्लेन वेवफ्रंट है। मैं इसको भी प्लेन वेवफ्रंट बोल सकता हूं, PWF1, PWF2, PWF3, ये सर तीनों प्लेन वेवफ्रंट है। मतलब कैसे जा रहा वेवफ्रंट ये? सर ये वेवफ्रंट ऐसे जा रहा है, डाउन में जा रहा, मतलब रे इधर जा रहा, डेफिनेटली रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। जिधर वेवफ्रंट होगा ना रे उस पर परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस रे और वेव साथ साथ चलेगा, रे ऑप्टिक्स साथ में चलेगा वेव ऑप्टिक्स का। रे जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेवफ्रंट का, समझ लेना, रे जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेवफ्रंट का। मैंने यहां PWF 1 2 3 लिखा, ठीक है, देखो इस पॉइंट पर। तो अगर इधर जा रहा ना तो रे क्या है, रे इधर परपेंडिकुलर ऐसे रे है, ये रे है, ये लाइन रे है, ये लाइन रे है, ये लाइन रे है, एक लाइन रे, मतलब एक एरो साइन को ड्रॉ कर दो, एरो साइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वेव के ऊपर में, वेवफ्रंट के ऊपर में, तो ये साइन तुम्हारा रे कहलाएगा। तो प्लेन वेवफ्रंट का मतलब हुआ एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से लार्ज डिस्टेंस पर जाएंगे स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट अपीयर्स प्लेन, यानी कि स्फेरिकल वेवफ्रंट का जो स्मॉल पार्ट है वो प्लेन दिखाई देगा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, लिखो रे इसके बाद, ये नोट कर लो और फिर लिखो रे। देखो रे क्या है, जैसे मैंने अभी एक डायग्राम बनाया उसमें जो एरो का साइन है उसको मैंने रे बताया, तो बच्चों बता दूं कि यहां पर रे और वेव दोनों, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये वेव ऑप्टिक्स का, आप देखते रहो और इसके बाद लेक्चर आपको मिलते रहेगा, तो इसमें आपको ना रे और वेव में डिफरेंस भी क्लियर करना है कि एक्चुअल में वेव ऑप्टिक्स कहां और रे ऑप्टिक्स कहां। देखो तो रे क्या होता है, मैं रे के बारे में बात करूं, रे क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि रे के बारे में, तो देखो मैं बोल सकता हूं एन एरो साइन, एक एरो ड्रॉ करेंगे हम लोग टू द परपेंडिकुलर, अरे बात समझ में, एरो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एरो साइन ड्रॉ करेंगे, एरो को परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना, परपेंडिकुलर टू वेव या परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे, मतलब उस वेव फ्रंट के ऊपर में एरो साइन जो ड्रॉ करेंगे ना वो मेरा रे होगा। मतलब सर अगर ये वेव फ्रंट है, मैं बता दूं ये वेव फ्रंट है, तो ये किधर जा रहा है वेव फ्रंट, इधर जा रहा, मतलब ये रे है तुम्हारा, ये वेवफ्रंट है, मतलब सर ये प्लेन वेवफ्रंट है, PWF1, ये PWF2, ये PWF3, मतलब प्लेन वेवफ्रंट 1, प्लेन वेवफ्रंट 2, प्लेन वेवफ्रंट 3, इसके हर एक पॉइंट पर पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा, इन तीनों पॉइंट पर पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा, इस पॉइंट पर पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा, और इधर जा रहा है रे, ये रे है और ये रे है, तो इस तरीके से रे जा रहा, तो रे जिधर वेव है उस पर परपेंडिकुलर रे है। अब बोलोगे सर ऐसे रे है, ये रे है, ये वेव है, सर वेव मेरो का साइन नहीं बाबू, वेव मेरो का, अगर वेव ऐसे जा रहा तो रे कैसे जा रहा है, ये रे है, यही रे है, इस तरीके से रे है, ये वेव है, तो ये रे, ये हो गया रे, ये हो गया रे, और ये हो गया रे, मतलब ये जो रे है वो परपेंडिकुलर है वेव के ऊपर में, रे आर परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट, जो रे होता है वो वेवफ्रंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है, ये एक वेवफ्रंट है, मतलब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा, आ रही बात समझ में, तो रे और वेव का मतलब समझ में आ रहा कि कोई रे बता दे तो क्या होता, वेव बता दे तो क्या होता, ठीक है, कि रे और वेव का ये मीनिंग हमको समझना होगा।
तो रे वेव का मतलब जैसे सपोज करो मैं ऐसे बता दूं कि एक ये पॉइंट है, अब देखो ये एरो का साइन इधर जा रहा है ऐसे, इस पॉइंट पर मैं बता दूं यहां पर देखो ये ऐसे मैं दो तीन लाइन खींचू, बट एरो का साइन मैं ऐसे बता रहा हूं ऐसे, देखो ये एक सोर्स है लाइट यहां जा रहा है, अब ये वेव फ्रंट में दिखा दो, ये लाइन वेव फ्रंट है सर, ये लाइन वेव फ्रंट है, डेफिनेटली ये वेव फ्रंट है, ये क्या, ये एरो का साइन रे है, ये एरो का साइन रे है, रे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट पर, सर ये वेव फ्रंट है, डेफिनेटली ये वेव फ्रंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके एच एंड एवरी पॉइंट पर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा, मतलब उसका फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होगा, डेफिनेटली 0 डिग्री का होगा, सर ये पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, कन्वर्ज हो रहा किसी एक पॉइंट पर जा रहा है, मैं इसको बोल सकता हूं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर किसी पॉइंट से बाहर जाता सपोज करो, यहां से ये बाहर की तरफ जा रहा, ये बाहर की तरफ जा रहा ऐसे, ऐसे रे बाहर की तरफ है, मतलब ये सब वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, मतलब ये लाइन वेव फ्रंट है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो लाइन क्या है, आपका वेव फ्रंट है लाइन, ये वेव फ्रंट है, ये बाहर की तरफ सब जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा, अब इसको डाइवर्ज हो रहा, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये क्या बोल सकते हो, सोर्स से बाहर की तरफ जा रहा, बोल सकते हो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइट बाहर की तरफ जा रहा बाबू, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट अंदर की तरफ आ रहा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपने लेंस में पढ़ा था कि जब लाइट को बेंड करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज होगा, बाहर भागेंगे डाइवर्ज करेंगे कॉनकेव में तो डाइवर्ज होगा, तो वैसे हम लोगों ने वेव फ्रंट क्या होता है ये बात समझा, और मेरे हिसाब से आप वेव और रे इन दोनों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हाइजेन प्रिंसिपल की बात करेंगे, ये वेव फ्रंट को किसने बताया, वेव फ्रंट को हाइजेन ने बताया, तो जरा हाइजेन का क्या प्रिंसिपल है ये हम देखते हैं, नोट करो इसको, तो हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, हाइजेंस ने क्या प्रिंसिपल दिया, तो हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में वेव फ्रंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, देखो हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स को और फिर क्लियर करते हैं, हाइजेन प्रिंसिपल सबसे पहले मैं बता दूं कि हाइजेन प्रिंसिपल गिव्स द ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ लाइट, ये जो हाइजेन का प्रिंसिपल है वो क्या देगा, तो ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, जो वेव का ट्रेवलिंग होगा उस वेव के ट्रेवलिंग का एक ज्योमेट्रिकल डिटेल्स बताएगा कि वेव जो ट्रेवलिंग करेगा कैसे ट्रेवलिंग करेगा। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इसको अगर दो तीन कॉलम में मैं डिवाइड करूँ दो टोटल पॉइंट्स में, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नंबर वन बात करता हूँ, और नंबर वन में वेव फ्रंट के बारे में ही बात करूंगा, नंबर वन जो बात होगा वेव फ्रंट के बारे में होगा, ठीक है। Each source of a light is a center of disturbance, हर एक सोर्स के लाइट का सेंटर ऑफ डिस्टर्ब करेगा, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, और वेव करेगा आउटवर्ड सभी डायरेक्शन में जाएगा, ऑल डायरेक्शन, अरे बात समझ में, ठीक है। देखो क्या होगा, ऑल पार्टिकल्स आर, इस लाइन को समझना, मैं इस लाइन को आज जब से स्टार्ट किया है चैप्टर तब से इस पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि वेव फ्रंट क्या, ऑल पार्टिकल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द Vibrating in the same phase, जो all particle है वो source से बराबर distance पर है और same phase में vibrating in the same phase, lie on a surface, और एक surface पर वो रहेगा lie करेगा called wave front, और उसी surface को हम लोग wave front बोलेंगे। अब तो आपके दिमाग में picture clear हो गया होगा, ठीक है,
सर कौन सी पिक्चर की बात करें, मैं वेब फ्रंट वाली पिक्चर की बात कर रहा हूँ, और बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो बोले ईच सोर्स ऑफ अ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, लाइट का जितना सोर्स है उस हरेक का सेंटर डिस्टर्ब करेगा। फ्रॉम विच वेव स्प्रेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, और वेव जो है वो सभी डायरेक्शन में जाएगा बाहर की तरफ। फिर क्या है देखो, ऑल पार्टिकल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जितना पार्टिकल्स है वो सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, और सेम फेज में वाइब्रेट भी करेगा, किसी सरफेस पे लाई होगा, और मैं बता रहा हूँ वही सरफेस वेव फ्रंट है जिसको आपने पढ़ा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, दैट्स द क्लियर पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हाइजीन, हाइजीन प्रिंसिपल, ठीक है। तो वेव फ्रंट हमारे दिमाग में चला है। अब देखो उसके आगे क्या कहानी क्या है, नंबर टू पॉइंट में, नंबर टू क्या है देखो, ईच एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, अब जरा समझना, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, अब जब वेव फ्रंट हो गया तो वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट है एक नया डिस्टर्बेंस है, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखो एक नया पॉइंट समझ में आ रहा, इसको बोलते सेकेंडरी वेवलेट्स, मैं वेवलेट्स बोल रहा हूं, वेवलेट्स। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर एक नया डिस्टर्बेंस होगा, और मैं उसको बोलूंगा सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल, दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल, ये जो वेवलेट्स है स्फेरिकल होगा, दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड एंड ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग करेगा किसी मीडियम में। आ रही बात समझ में? तो वेवफ्रंट से एक नया टर्म्स है सर, सेकंड पॉइंट, वेवलेट्स क्या होता, मैं आपको डायग्राम से वेवलेट्स क्लियर करता हूँ क्या होता, बट पहले समझो ये दोनों प्रिंसिपल क्या, कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट पर एक नया डिस्टर्बेंस होगा जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। ये वेवलेट्स स्फेरिकल होगा और ट्रेवलिंग करेगा स्पीड ऑफ लाइट से मीडियम। ओके, थर्ड पॉइंट नोट कर लेते हैं, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अभी आपने पढ़ा कि जो रे होता, रे ऑप्टिक्स होगा वो क्या होगा, तो वेव फ्रंट के ऊपर में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो रे जो होगा वेव फ्रंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने जस्ट अभी आपको ये पॉइंट्स बताया, थर्ड पॉइंट्स कि रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ओके, अब मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये वेव फ्रंट किधर है, कैसे है। देखो क्या होगा, वेव फ्रंट्स में हाइजीन प्रिंसिपल को बताए ज्योमेट्रिकल डिटेल्स है, सपोज करो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मैं बता दूं यहाँ एक वेव फ्रंट, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है ना कि ये सोर्स डिस्टर्ब हुआ, यहाँ से पॉइंट पहुँचा, और पॉइंट पहुँचने के बाद इस पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहा, तो सर वेव फ्रंट बन गया एक, तो राइट है, ठीक है ना। वेव फ्रंट, अब रे कहाँ होगा, रे कहाँ होगा, उस वेव फ्रंट के ऊपर में ना ईच एंड एवरी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, ये ईच एंड एवरी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा, ये एक वेव फ्रंट बन गया। तो क्या ये वेव फ्रंट यहीं पे रुका रहेगा, सर एक्स वाई वेव फ्रंट है, सर टाइम टी में ये वेव फ्रंट एक्स वाई हुआ, ऑल पार्टिकल्स ये डाइवर्जिंग बना रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा लाइट, ये पूरा सर्कल पूरा बना सकते हो, पूरा स्फेरिकल बन जाएगा, ऑल पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस पर है, सेम फेज में वाइब्रेट करता, दैट इज द वेव फ्रंट। लेकिन क्या ये रुका रहेगा, नहीं रुका रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग करते रहेगा 3×10⁸ मीटर/सेकंड के स्पीड से। तो क्या होगा, ये जो ईच एंड एवरी पॉइंट होगा वेव फ्रंट का ना, एक नया डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और अगेन यहां से डिस्टर्ब करके पॉइंट मान लो एक्स डैश वाई डैश, मैं बता दूं कि टाइम टी वन में एक अनदर वेव फ्रंट बन गया, यानी कि इस पॉइंट से एक नया डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस।
वेफ्रॉन का हरेक पॉइंट पर एक नया डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता, वेफ्रॉन के हरेक पॉइंट पर एक न्यू डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। डेट आर द अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन गया, ये वेफ्रॉन बन गया, ये वेवलेट्स हुआ, ये वेफ्रॉन बना, फिर यहाँ से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गया, सर एक नया वेफ्रॉन बन गया एक्स डबल डैश वाई डबल डैश सपोज करो टी टू टाइम में, तो सर फिर क्या हुआ, फिर ये एक वेवलेट्स हुआ, यानी ये सेकेंडरी वेवलेट्स ये वेफ्रॉन, अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स ये वेफ्रॉन, वेफ्रॉन वेवलेट्स वेफ्रॉन वेवलेट्स वेफ्रॉन वेवलेट्स चलते जाएगा और लाइट डिस्टर्ब करते करते हमारे पास पहुंच गया, हमारी बात समझ में, और हाइजीन प्रिंसिपल समाप्त हुआ, क्योंकि रे आर परपेंडिकुलर टू, रे कहाँ, रे है ना, सारा रे है परपेंडिकुलर है, रे आर द परपेंडिकुलर ऑन द वेफ्रॉन्स। इसको बहुत कुछ लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, वन बी एनवेलप ऑफ लाइट, एनवेलप क्या होता है, ये एनवेलप होता है, अरे बात समझ में, मतलब इस तरीके से प्लेन वेवफ्रॉन के फॉर्म में जाएगा। ओके तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में और साथ में हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में समझे। अब हम सेकेंड लेक्चर में हाइजेंस प्रिंसिपल पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव करेंगे। थर्ड लेक्चर में सुपरपोजिशन, कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस का बात करेंगे। जब इंटरफेरेंस का बात होगा तो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स मिलेगा और वहां से चैप्टर में न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होगा। बट फर्स्ट थ्री लेक्चर्स आर द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ द वेव्स। तो सेकेंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। ओके okay?